सारिका रिंकू राखी बांधने नहीं आई तो आपको दुख नहीं हुआ? फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, मस्त सुबह हो चुकी है, धूप खिल चुकी है, कबूतर भी आ चुके हैं और चिड़िया भी चिलचिलाहट के साथ आ चुकी है और हमारी ये चिड़िया भी चक चक करती हुई वाली चिड़िया भी आ गई है। हाँ, तो अच्छा लगता है आज बहुत। तो कल बयारो ही भी आ गई है दादा के साथ घूमने लगी है। भूल गए नहीं यारो ही जब आई थी तब कैसे आ गई थी मेरे पास, तब किंजल के पास लपक के आ गई थी, लेकिन गई और कितनी खुश हो रही थी पता नहीं, रोही के पास गई इतनी खुश हो रही थी। हमने वो शूट नहीं किया और ये कबूतर देखो चले गए, मस्त धूप आ गई है गार्डन में, अभी तो समर आ गया है ना ऐसी धूप आ रही है। हाँ गर्मी अभी थोड़ी शुरू हो जाएगी है ना। हाँ, अभी शुरू हो गई। ऐसा है, कहाँ गए दोनों? अभी बाहर गए पापा और आरोही दोनों। चलिए थोड़ा बाहर का माहौल दिखाते हैं, अगर पापा आरोही है तो ठीक है, बाकी धूप बहुत ही मस्त आ चुकी है। गुलाब काका गए है माँ जी के फाइनल टचअप के ऊपर, मकान फाइनल माँ जी का बन गया है और अभी वहाँ पे रहेंगे। अभी तो कड़ी पत्ता और गलगोटा और रूही का घर कैसे पूरा फैल गया है और कितना मस्त वेला लग रहा है सुबह सुबह का नजारा है ना। किंजल पत्ते है नींबू के पत्ते है, उसमें स्मेल इतनी अच्छी आती है, पहले के लोग चाय बनाते थे ना उसमें डालते थे पत्ते, नींबू के पत्ते डालते थे, पत्ते डालते थे, इतना मस्त फ्लेवर आता था ना। अच्छा मैं टेस्ट करवाऊंगी एक बार। ओके इसका भी चाय बनता है? चाय बनती है ना। क्या बात किंजल, आज तो तुम्हारा और मेरा दोनों मैचिंग का मैचिंग हो गया है। येलो येलो भाई येलो येलो, पता नहीं ऐसे ही मैचिंग हो गया। हाँ देखो मैंने सुबह सुबह मैचिंग कर दिया किंजल। अच्छा ऐसा है, मस्त लग रहा है मैचिंग मैचिंग। बाकी गार्डन में क्या है? बस गार्डन तो अभी देखो पानी से हर भर हो चुका है मस्त। अच्छा अरे वाह, और तुमने मेरा बटेटा का वेलो निकाल दिया मैंने सुना है। निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? क्योंकि अब बहुत खेला हुआ लगता था मेरा बटेटा का वेला। किंजल ने मुझे आता नहीं है क्या अभी जगह रोके जगह, उसकी सीजन में आएगा ना, ऐसे आएगा कब आएगी पता नहीं। बटेटा एक आया था, एक पहले आया था, एक आया था हाँ, तो उसके ऐसा अच्छा मतलब कि निकाल देने का बटेटा तो निकाल नहीं देते, निकालना पड़ा। देखो अभी मैंने निकाल दिया, किसी को पूछा ही नहीं, मैंने बोला पूछूंगी तो मना करेगी इसलिए पूछा, पूछना ही नहीं। बाकी मस्त वेला है देखो भाई है ना, मस्त घटा घोर हो चुके हैं और वाह देखो है ना, मस्त ताजी ताजी सब्जी अभी आने लगी है, मकोड़ा भी साथ में है थोड़ा थोड़ा। अरे वाह वहाँ पे कितना बड़ा बड़ा आ रहा है देखो, वाह यहाँ पे है और यहाँ पे छोटा वाला है, छोटा छोटा अभी बहुत आएगा, अभी फैलेगा। जो जो फ्लावर है ना इसमें दूधी आएगी, गलका है देखो, दूधी नहीं है गलका है, तो गलका तो आ गया, दूधी आएगी। અત્યારે ગલકા નો છે દૂધી નો છે, બે યલો છે ગલકા છે અને વ્હાઈટ છે ને દૂધી છે લગભગ। અચ્છા એસા હૈ ના, હા પતા તો હા। ચલો ફિર મસ્ત ગાર્ડન હો ગયા, અભી હલ્દી મેરે પાપા ને યહાં સે વહાં લગા દી, દેખો પૂરી હલ્દી ઘુમા દી ફિર ભી હલ્દી મુરઝાઈ નહીં કિંજલ। वैसे की वैसी हल्दी यहाँ पे लग गई, ओके देख के आजा। तू क्या गई थी आरोही? मंदिर गई थी, मंदिर बो मजा आई, ले पड़ी क्या लिए अभी लावो लावो मम लावो लावो, अले वाह वाह लावो लावो मारे खावानु छे, बहुत ही मस्त मस्त लग रही है देखो, क्यूट क्यूट। जे जे गरबा गई थी आरोही, क्या गई थी तू आरोही, क्या गई थी क्या गई थी आरोही, तू तू क्या गई थी, तू क्या गई थी आले मम्मा मो तारू आरोही, तू क्या गई थी ए गलगोटी तो यहाँ पे देखो अभी सुबह के बजे 9 और यहाँ पे देखो कीवी टाइम हो चुका है, तो आ रही अभी कीवी खा रही। पापा को तो बेटा दर्शक ही तो नहीं कीवी आप दर्शक के मांगे तरह दीदी नहीं दर्शक, तू खाओ तू खाओ। तो आ गई फाइनली हमारी घर आरोही, तो बहुत मजा आता है आरोही के साथ है ना आरोही, जब आरोही नहीं थी ना तब कैसा लगता था नहीं दर्शन। अच्छा नहीं
बेटी के बिना घर एकदम अधूरा है। टाइम भी हमारा चला जाता है उसके पीछे। देखो कितनी मशगूल हो गई है। जो भी बोलते है ना कहीं आरो या खाऊ छे, हाँ बद्दी वस्तु में हाँ जो एक ही वस्तु में ना न हो है ना आरोही ने कि मो भावे छे। कल नीरू भाई की आंशी भाभी की हेतु भी चली गई, पहले मिली चली गई उसके बाद हेतु चली गई, तो वो दोनों जा रहे थे ना तो मुझे ये दोनों की याद आया। मैंने कहा बेटियां चली जाती तब कैसा सुना लगता है, लगता है भाई को बहुत ही दुख हुआ, बहुत रो रहे थे, उनका चेहरा भी दिख रहा था। बेटियां घर से चली जाती है तब मतलब सुना पर लगता है, बहुत सुना पर लगता है। आ रही दो दिन गई तो अभी कितना लगा, तो उसको तो कितना लगेगा, बड़ी हो गई ओके चाहती है तो। चकलिया है ये ऐसी चकलिया हमारी चकलिया। अरे तन वो भावे 5:15 बज चुके हैं और दिन मस्त जा रहा है, लेकिन इस बीच में जो अभी बीच बीच में इतने लोगों की गरीबी आ रही है, इतनी ज़्यादा लोग तकलीफ़ में जी रहे हैं, उन तरफ ज़्यादातर मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ज़्यादातर क्यों कोई नहीं देखता, क्यों उस गरीब को और गरीबी में धकेला जाता, उसका प्रश्न तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं कर्म से अप डाउन होता है या फिर इस हमारी सिस्टम से कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है कोई आइडिया नहीं है। क्या उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँ वो भी पता नहीं, क्योंकि वो टिप्पणी कितनी सही होगी कितनी गलत मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा फ़र्ज यही है, मुझे इतना मालूम है कि जहाँ पर इंसानियत के नाते कहीं पर आपको दिखे कि भाई हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, हमारा दिल जहाँ पर बोल उठे कि हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मदद करने की, तो वहाँ पे अगर मदद करे तो वो जो अक्षय फल बन जाता है, और आपके कर्म से अगर कोई भी गुनाह हो जाता है तो उसको ऊपर से वो कर्म धुल जाता है, ऐसा माना जाता है। बाकी भगवान गरीबी अमीरी सब जगह देते हैं, लेकिन नज़रिया भी हमें देते, कितना समझना नहीं समझना वो हमारे कर्म के ऊपर है। इतने सबसे ज़्यादा समझो तो उनका कर्म अच्छा होता है, सहन करने के बाद आज तक का इतिहास है, जिन जिन लोगों का सहन करने का पड़ाव ज़्यादा आया है वहाँ पर जल्दी तकलीफ दूर, और भगवान जैसे महात्माओं का वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरा रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ऐसा है भाई, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था इसलिए मैंने थोड़ा कुछ बोला, और हम तो जय होले से जितना हो सकता है हम करते रहते हैं। और यहाँ पर माँ बेटी नाश्ता पानी हो रहा है, दाल चावल खा रही है चीकू, अभी उसका मतलब रोक चुक बहुत हो गया है आरोही का, जैसे बड़े होती जा रही ना वैसे उसका मतलब बाहर निकलता है, बिल्ली से डरा डरा के खाना खिलाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे किंजल भी थोड़ा मालिश कर देती है ताकि क्या है सर हल्का हल्का सा हो जाए, और हो गया है ना काफी टाइम से, हाँ तो थोड़ा हल्का हो जाए, नहीं है तो हल्का कर देते हैं, हाँ कोकोनट स्पेशल हेयर ऑयल के साथ थोड़ा मालिश हो जाए। और ये चैन लेकर घूमती है जंजीर, छोटी काढ़ी ना की मेरी माते हाथ पे, और जंजीर लेकर घूमती है साकल, क्या बांध के जाना है, अलग है साकल लाइन छू बांध उतर है यार, ये लिपस्टिक कर रही है, किसी को पता नहीं था छुप छुप के कर रही है। अरे वाह देखो, ये राजू भाई गुलाब काका आ गए, पहले जाते हैं माजी के घर के ऊपर, उसके बाद के बाद चलते हैं फार्म के ऊपर, और राजू भाई का और काका का रूपा, काका कलर केम फरी जो तमारो राजू भाई, અમારે ક્યાં હોય ઉપાધિ છે એવું છે, તો ભાઈ મજા આવી જાય ને, વૈસે બેવો વૈસે બેવો આમ ત્યાં કોને જ દેવાનો, બપોરે બે જાય 6 વાગ્યા હું ધ્યાન હોય મોઢું ઓર અડધું ઓલી કે અડધું આ બાજુ બધી બાજુ વાતો કર્યા કરે, કેમ રહ્યો ફાર્મ હે કેમ કામ હાલે, હા એકલા છો જોશો જોશ માં હાલે લે, વાહ ભાઈ વાહ સરસ સરસ, હો તો હું હાલે છે આખો દી રમત કરીને ભેગા નો ભેગા ફોન પડી જાય નઈ ને એટલે લઉં છું, આખો દી પૂરે દિન આજ મસ્તી નહીં કી થી ના, તો અભી મસ્તી કરને કે લિયે એકઠા હો ગયે તીનો બચ્ચે,
तो ऐसा मस्ती होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा है भाई, धमाल मस्ती चलती रहती है, ऐसा है किंजर। चलो क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देते हैं। ओके चलो दे देते हैं। वेरी गुड इवनिंग, अभी शाम ढल चुकी है मस्त, और काफी लोगों की कमेंट्स 5-6 ऐसी थी जिसका आंसर हम आज कर देते हैं ताकि बार बार लोगों को ये सबको सॉल्यूशन मिल जाए। हाँ, कमेंट ना करनी पड़े। पहले कमेंट किंजल के ऊपर, किंजल की कमेंट लोग बुरी करते रहते हैं लेकिन फिर भी किंजल उसका आंसर क्यों नहीं देते, उसको जवाब क्यों नहीं देते। तो 5-6 लोगों के लिए क्या किंजल क्या लगता है? मन में नहीं लेती, तो जिसको जो बोलना है बोलो, सबका सोच अलग अलग होता है। मेरा दिल जो कहे वो मैं करती हूँ सब। हाँ, तो मतलब बुरी कमेंट के लिए 5-6 लोग होते हैं। इग्नोर करना, उसको अच्छी कमेंट क्या है वो उसकी तरफ, और वो आपसे ही सीखे। काफी लोग इससे पहले कमेंट करते हम आंसर देते थे, काफी लोग बोले क्यों आंसर ही, आंसर देना ही बंद हो गए। तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, 80,000 में से 2-3 लोग है, तो उसके लिए कुछ ज्यादा उसके मन में ऐसा होता है कुछ। तो मतलब हर एक रिंकू के ब्लॉग में कभी कभी उनको भी बोलना पड़ता है। सारिका तो ऊपर से ले लेती है, उसको ज्यादा नहीं वो सोचती। मैं भी अभी नहीं सोचती, पहले थोड़ा लगता था स्टार्टिंग में, अभी तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, और जो आपकी कमेंट सही होती वो हम उस पे सुधार करते, काम करते, वो भी करते, ठीक है। दूसरा है विलेज कुकिंग मस्ती में, वो बेटी बहुत बोल रही थी, मतलब वो एक एंटरटेनमेंट था, वो लड़की बुरी नहीं है, वो छोटी है, मस्तीखोर है, और हमें कुछ बोलती रहती है कि क्या बोलूँ ये बोलूँ, हम में से कोई सजेशन देता है तब जाके वो बोलती है। वो पार्ट ऑफ एक्ट है मस्ती में, कुकिंग मस्ती के साथ एक अलग मस्ती है, इसलिए वो सब ऐसी लड़की बोल रही थी, वरना सब बहुत ही मस्ती में है और अच्छी तरह बोलना सबको आता है। लेकिन काफ़ी लोगों ने विलेज कुकिंग मस्ती का वीडियो देखा, बेटी वाला, छोटी बेटी गुलाब काका के साथ मस्ती कर रही है, तो वो मस्ती कुछ ऐसी टॉपिक के ऊपर लाई गई है, ऐसी नहीं है, ठीक है। वो बस आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए सब प्रयास होते हैं, ना कि उनके ऊपर कोई ऐसा हमें लगता है। फिर भी किसी को ऐसा लगा है तो सॉरी, ठीक है। और तीसरा है कि कुकिंग का वीडियो बनाने के लिए आपकी तबीयत अच्छी नहीं फिर भी क्यों आप बनाते हो, लेकिन वो पुराना वीडियो है। हमने मेरी तबीयत 2-3 दिन तो स्टॉक में रखते हैं ताकि कभी भी काम आ जाए, इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद आज तक एक वीडियो भी नहीं बनाया। ये बटे का भूंगड़ा का लास्ट था, उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया, अभी तक हमने कुछ शूट नहीं किया, आने वाले समय में 1-2 दिन में भी हम करेंगे। हम घूमने गए थे ना तब भी कमेंट सब क्या आई। हाँ, तो अभी मैं उधर हॉस्पिटल में हूँ और वो वाला अपना ये ढोकला वाला वीडियो आया, सब लोगों ने बोला दर्शक भाई तबीयत अच्छी नहीं है, ढोकला का प्रोग्राम कैसे, मतलब वो पुराना वीडियो इससे पहले हमने शूट करके स्टॉक करते हैं ताकि शेड्यूल के हिसाब से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। आगे का कमेंट्स ऐसे है कि आपको क्या हुआ था, फाइनल पता नहीं था, निमोनिया हो गया था, निमोनिया से फिर बुखार बढ़ गया, और उसका रीजन ये था कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो ऊंघ मेरी पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तीसरा पांचवा है फाइनली, सारिका रिंकू राखी बांधने नहीं आई तो आपको दुख नहीं हुआ? तो दुख नहीं होता, जो पराए लोग होते हैं उनसे दुख पैदा होता, अपने लोगों से दुख पैदा नहीं होता। अपने लोगों की सिचुएशन समझनी पड़ती है कि किस सिचुएशन से गुजरते हैं, क्या हालत है, किस हालत से वो वहाँ पे वर्कआउट करते, तो उस हिसाब से हम रिएक्ट करते, बाकी किसी के मन में कुछ नहीं होते, सब अपने ही होते। एक त्यौहार की वजह से ऐसा नहीं होता कि मन दुख होता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, प्यार कभी कम नहीं होता। और काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे राखी में ये नहीं आए, मेरे दिवाली पे ये नहीं आया, मेरे प्रसंग पे ये भी नहीं आया, तो मूड बहुत सारे रिश्ते ऐसे बिगड़ जाते। ऐसे मत बिगाड़ा करो, अपने होते उनके सिचुएशंस प्रॉब्लम समझने होते हैं और वो समझ के उनके हिसाब से चलना होता है, मुँह नहीं बिगाड़ना होता, ठीक है। तो ये है भाई आज का 5-6 सवाल जवाब, और आपको बस खत्म हो गया है। ज्यादातर लोगों के बहुत सवाल नहीं होते, लेकिन बार बार की सवाल जवाब हुआ था ना, इसलिए मैंने बोला कि आज कंप्लीट करते हो। तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, वापस कुछ नए धमाल मस्ती के साथ वापस कल मिलेंगे। कल और किसी को सवाल जवाब रह गया हो तो बताइएगा, हम आने वाले सेशन में ले लेंगे और आपको बताएं, ठीक है। चलिए फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय 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 फ्रेंड्स।